ये मुसलमान मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के पास खड़े होने की? सर, मैं आपका नया ड्राइवर हूँ। लेकिन तुझे नौकरी पर रखा किसने? वो आपके पापा ने। यार, मेरे पापा भी ना पता क्या क्या करते रहते हैं। हेलो, हाँ पापा, आपको जब पता है कि मुझे मुसलमानों से सख्त नफरत है, तो आपने मुसलमान को ड्राइवर कैसे रख दिया? बेटा, तुम्हारे ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे इसको भेजना पड़ा। बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। लेकिन ऐसा क्यों करा? आपको पता है ना मुझे मुसलमानों से कितनी नफरत है, फिर भी आपने इसको रख दिया। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। एक काम करो, तुम दो दिन के लिए एडजस्ट कर लो, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। देखो पापा, 4-5 दिन से ज्यादा मैं इसको नहीं झेल सकता, इसलिए किसी और को ढूंढ लेना। देख, तू यहाँ पे ना सिर्फ 2-4 दिन के लिए, इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ियो, समझा? वो तो मेरी मजबूरी है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, वरना मैं तुम जैसे लोगों को ना तो अपने आसपास भटकने भी ना दूं। साहब, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? मैं भी तो एक इंसान हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, तुम्हारी खबरें ना आए दिन न्यूज़ पर आती रहती हैं। और ये कैसे कपड़े पहने तुमने? ड्राइवर की ड्रेस नहीं क्या तेरे पास? साहब, मैं मानता हूँ मेरे कपड़े थोड़े खराब हैं, जैसे ही महीना पूरा हो जाएगा और थोड़े पैसे आएंगे, मैं नए कपड़े खरीद लूंगा। क्या महीना? अबे ओ, तू सिर्फ 4-5 दिन का मेहमान है यहाँ पे, समझा? अब चल। जी। और अरे, एक मिनट, तू गाड़ी चला, समझा? ये मैं खुद कर लूंगा। अरे यार, ये ड्राइवर कहाँ रह गया? खड़े खड़े आधा घंटा हो चुका है। चलिए साहब, पहले ये बता, कहाँ मर गया था तू? तुझे पता है मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। साहब, वो टायर पंचर हो गया था, तो पंचर लगवाने लग गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। वाह, एक तो अभी अभी तेरी जॉब लगी है और तूने बहाने बनाने भी शुरू कर दिए। साहब, अब इसमें मेरी क्या गलती? टायर पंचर हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलिए, पहले बहुत लेट हो गए हैं। चलो। एक मिनट। जी साहब। ये क्या? अरे साहब, इसमें तो मेरा लंच है। ये तेरे बाप की गाड़ी है, जो कुछ भी रहता है इसमें। साहब, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? इसमें मेरा लंच ही तो है, और मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। अच्छा, तो अब मैं समझा, ये टायर पंचर तो सिर्फ एक बहाना था, तू तो पहले अपने घर के काम करने थे। बस करिए साहब, मैं आपके नौकरी करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे बार बार बेइज्जत करते रहेंगे। वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा धर्म अलग है। साहब, सारे धर्म ना एक बराबर होते हैं, इसलिए सबकी इज्जत करिए। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है? तुझे तो मैं अभी कभी काम से निकालता हूँ। चल, गाड़ी की चाबी दे। ठीक है साहब, ले लीजिए आपकी चाबी, मुझे भी नहीं करनी आपके नौकरी। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ पापा, ड्राइवर का हुआ कुछ? क्या, ड्राइवर नहीं मिल पाया अभी तक? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? चलो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, मैं कैब कर लूंगा। वही वो देख, इतना मोटा बुर्का है, क्यों ना आज इसे ही लूटा जाए। सही कह रहा यार, है ना? तो तैयारी कर ले, आ जाओ। भैया भैया भैया, मेरी प्लीज माफ करो, वो दो गुंडे मेरे पीछे पड़े, ये तो लूटना चाहते। भाई, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया और तुम्हारे धर्म के बारे में मैंने ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, मुझे माफ कर दो। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं वो गुंडे आज मेरा क्या हाल कर देते। अरे सर, इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था भाई। बट एक बात बताओ, तुम कोई प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करते हो, ये काम क्यों कर रहे हो तुम? सर, जैसे कुछ दिन पहले आपका बर्ताव था ना मेरे साथ, वैसे ही और लोगों का बर्ताव भी मेरे साथ वही होता है। इस काम में पैसा बहुत कम है, मगर इज्जत बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि मैंने आपको बहुत गलत कहा, पर मैं वादा करता हूँ
कि मैं आज के बाद किसी भी धर्म का कभी भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आज आपने जैसे अपनी सोच को बदला है ना, वैसे अगर और लोग अपनी सोच बदल लें तो फिर बात ही क्या है। चलिए मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।